कालिकाल सर्वज्ञ। तंतु का नाम ना नगर मा चारिक शेठ अने पाहिनी शेठानी सुखपूर्वक वसे छे। शेठानी पाहिनी एक रात्रे स्वप्न मा चिंतामणि रत्न ने जुए छे अने पाहिनी ते रत्न गुरुदेव ने सौंपी दे छे। सवारे पाहिनी गुरुदेव पासे जाए छे अने स्वप्ननी वात करे छे। गुरुदेव श्री देवचंद्र सूरी महाराज कहे छे, पाहिनी तने रत्न जेवो पुत्र जन्मशे। ए दीक्षा लई जिनशासन नो सूरी सम्राट बनशे। ईस्वी सन 1089 मा पाहिनी पुत्र रत्न ने जन्म आपे छे। तेनु नाम पड़े छे जंगदेव। जंगदेव मोटो थाय छे त्यारे माता पाहिनी तेने गुरुदेव श्री देवचंद्र सूरी महाराज ने सौंपी दे छे। गुरुदेव जंगदेव ने साथे लई जाय छे। 9 वर्षनी उम्रे जंगदेव कंभातमा दीक्षानो स्वीकार करे छे। श्रेष्ठी पुत्र जंगदेव बने छे बालमुनि सोमचंद्र। गुरुदेव पासे शास्त्रोना अभ्यास करी बालमुनि सोमचंद्र शास्त्रोना पारगामी बने छे। एक बार बालमुनि सरस्वती नो जाप करे छे त्यारे सरस्वती स्वयं प्रकट थई बालमुनि ने सिद्ध सारस्वत नु वरदान आपे छे। मुनि सोमचंद्र नी योग्यता जोई गुरुदेव श्री ईस्वी सन 1110 नी साल मा तेमने आचार्य पद आपे छे। मुनि सोमचंद्र नु नवु नामकरण थाय छे आचार्य श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सूरी महाराजा कुमारपाल ने प्रतिबोध करे छे। एज अरसामा देवभूति नामनो पंडित केळाना झाड़ना पांदड़ा अने कमलनी नाजुक दांडियोथी बनावेली पालखी पर बैसी राजसभामा आवे छे अने राजा कुमारपाल ने मंत्र शक्तिथी तेना पूर्वजो देखाड़े छे अने जैन धर्म छोड़ी देवानु कहे छे। त्यारे कलिकाल सर्वज्ञ श्री पण कुमारपाल ने पोतानी मंत्र शक्ति थी परचो देखाड़े छे। उपरा उपरी सात पाठ पर बैसी कलिकाल सर्वज्ञ श्री प्रवचन फरमावे छे। त्यारे एक पछी एक पाठ काढ़वामां आवे छे छतांय हवामां अधर रही कलिकाल सर्वज्ञ श्री ने प्रवचन आपता जोई कुमारपाल आश्चर्य पामे छे अने कुमारपाल ने तेना पूर्वजो देखाड़ी जैन धर्म पाळवानुं कहे छे। छेवटे कलिकाल सर्वज्ञ श्री कहे छे, राजन आ तो बधी माया जाळ छे, खोटू छे, साचो छे एकमात्र जैन धर्म। राजा कुमारपाल जैन धर्म मां दृढ़ श्रद्धावाळा थाय छे। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीना उपदेश थी राजा कुमारपाल नियम ले छे के चौमासाना 4 महीना महलनी बहार न निकळवुं। तेथी शक देशनो बादशाह कुमारपाल साथे युद्ध करवा आवी चढ़े छे। त्यारे कलिकाल सर्वज्ञ श्री मंत्र शक्ति थी ते बादशाह ने पलंग साथे पाटण मा लावी दे छे। वर्ष मा 6 महीना अहिंसा पाळवानी शर्ते राजा कुमारपाल ते बादशाह ने छोड़ी मुके छे। राजसभा मा एक वार कलिकाल सर्वज्ञ श्री अमासना दिवसे भूलती बोली जाए छे, आजे पूनम छे। त्यारे ईर्षाळु पंडितोने जैनाचार्य अने जैन धर्मनी निंदा करवानी तक मळे छे। तेथी कलिकाल सर्वज्ञ श्री शासन देवीनी आराधना करी सिद्ध करे छे। दिवसे आकाश में पूनम नो चांद देखाय छे। कलिकाल सर्वज्ञ श्री सिद्धेम शब्दानुशासन त्रिषष्टि शलाका पुरुष योग शास्त्र वितराग स्तोत्र जेवा 3.5 करोड़ श्लोक प्रमाण शास्त्रों ना सर्जन करे छे ने राजा कुमारपाल 700 लहियाओ ने बैसाड़ी ते शास्त्रों ने लखावे छे। आवा अनन्य शासन प्रभावक
आचार्य देव श्री कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा 84 वर्ष नु आयुष्य पाली ईस्वी सन 1173 मां काल धर्म पामे छे। भला बालको, तमारे जो ज्ञान अने बुद्धि वधारवी होय तो दररोज कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सुरीभ्यो नमः नो 108 बार मंत्र जाप करजो। तमारा जीवन मां चमत्कार सर्जाशे।